बाल गणेश, बाल गणेश। माँ, आपने मुझे मोदक खिलाने के लिए बुलाया है ना? मोदक खिलाने के लिए नहीं, काम के लिए बुलाया है। ये लो, ये सामान अपने पिताजी के पास जाकर रख दो। पर माँ, इस समय तो पिताजी कैलाश पर हैं। वहाँ जाऊँगा तो मेरा खेल रुक जाएगा। बाल गणेश, इस समय तुम्हारे पिता ध्यान कर रहे हैं। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा यदि ध्यान से उठने के उपरांत उन्हें स्नान के लिए फूलों की सुगंध और अंगोछा ना मिला तो? आप ठीक कह रही हैं माँ। पहले माता पिता की सेवा, तत्पश्चात काम दूजा। चलो मूषक महाराज, कैलाश चलें। और तेज मूषक महाराज, और तेज। मूषक जी, हम कैलाश पहुंच गए हैं। कौन है? तुम ये पकड़ो और ये मुझे दो। प्रभु बाल गणेश, प्रभु आपको ऐसे लुढ़काने की चेष्टा किसने की? बताइए मुझे, मैं उसका सर फोड़ दूंगा। ये सब तुमने ही किया है नंदी महाराज। मैंने? किंतु मैं कैसे? ये अपराध तो आपसे ही हुआ है नंदी महाराज। चलो अब बिना कोई क्षण गवाए अपना वचन पूरा करो, आप अपना सर फोड़िए। यदि ये अपराध मैंने किया है तो मुझे दंड अवश्य मिलना चाहिए। मैं अभी उस चट्टान पे अपना सर फोड़ लेता हूँ। अरे रुको नंदी महाराज, उस चट्टान के जगह तुम उस वृक्ष पर भी टक्कर मार दोगे तो भी तुम्हारा वचन रह जाएगा। जो आज्ञा प्रभु की। अगम, सही कहा तुमने, ये तो मार ही डालेगा। अरे कोई इसे रोको, नंदी रुक जाओ। कहो मूषक महाराज, इस शरारत में मजा आया कि नहीं? बिल्कुल आया प्रभु। नंदी, ये सामान तुम जल्दी से पिताजी के पास ले जाकर रख दो। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव। प्रभु बाल गणेश, हम महादेव से मिलने आए हैं। पिताजी तो इस समय ध्यान मग्न है मुनिवर। तो उन्हें जगाइए बाल गणेश, हमारा उनसे मिलना बहुत आवश्यक है। क्या मैं आपकी आवश्यकता का कारण जान सकता हूँ मुनिवर? दुष्ट भाभी, अब तेरी मृत्यु का समय आ गया है।
ऋषि, मुझसे लड़ने की तेरी इच्छा शक्ति की प्रशंसा करता हूँ, इसलिए जीवन दान दे रहा हूँ। किंतु ये जीवन दान केवल कल तक का है। कल मैं तुम सबको मार कर खा जाऊंगा। यदि हमने समय रहते सिंदूर असुर को ना रोका बाल गणेश, तो वो समस्त मानव जाति के लिए काल बन जाएगा। मेरे ख्याल से इतने छोटे से कार्य के लिए आपको पिताजी का ध्यान भंग करने की आवश्यकता नहीं है मुनिवर। आपके दुष्ट सिंदूर असुर को तो मैं ही देख लेता हूँ। परंतु प्रभु, आप तो अभी बालक हैं और वो शरीर के अनुपात से बाल की तुलना मत कीजिए मुनिवर। चींटी छोटी होती है, परंतु वो हाथी के सूंड में घुसकर उसे पछाड़ने की शक्ति रखती है। क्या तुम सब तैयार हो? जी प्रभु, जी प्रभु। तो चलो। दोबारा ये गलती मत करना। निर्दोष प्राणियों और ऋषि मुनियों को मार कर अपने आप को शूरवीर समझने वाले सिंदूर असुर, मैं तुम्हें लड़ने के लिए ललकारता हूँ। बाहर आओ सिंदूर असुर। किसकी मृत्यु आई है जो मेरे ही द्वार पर मुझे ललकार रहा है? हिम्मत है तो बाहर आ सिंदूर असुर। किसकी मृत्यु आई है जो मुझे ललकार रहा है? सामने आओ। सामने ही तो खड़ा हूँ सिंदूर असुर, नीचे तो देखो। तुम मुझे मारोगे बालक? नहीं सिंदूर असुर, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि तुम्हारा अहंकार तुम्हें मारेगा। लगता है इस राक्षस की मति भ्रष्ट हो गई है। परंतु तुम्हें ऐसा क्यों लगता है भृंगी? क्योंकि मेरे पास बुद्धि है जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारा धन्यवाद सिंदूर असुर। तुम्हारे इस हंसने की कला ने मेरा भरपूर मनोरंजन किया है। सिंदूर असुर, जो मौत का दूसरा नाम है, वो तुम्हें मनोरंजन का साधन लगता है? निसंदेह। अब बातों में समय व्यर्थ मत गवाओ सिंदूर असुर। यदि तुम वचन देते हो कि आज के उपरांत तुम किसी भी ऋषि मुनियों और मनुष्यों को नहीं सताओगे, तो मैं महादेव पार्वती पुत्र बाल गणेश तुम्हें छोड़ दूंगा। तो तुम हो महादेव पुत्र बाल गणेश? तो ठीक है, मैं व्यर्थ में समय नहीं गवाता और तुम्हें अभी पकड़कर मसल देता हूँ। मसलने की इच्छा पाल रहे हो? पहले पकड़ के तो दिखाओ। ओम ह्रीम क्रीम श्रीम गदा भट स्वाहा। अब दे
देखता हूँ तुम कैसे बचते हो बाल गणेश। आपके पराक्रम पर शंका करने के लिए हमें क्षमा करें प्रभु बाल गणेश। शंका छोड़िए मुनिवर, आपके चक्कर में मैं और नंदी जी पिताजी को अंगोछा और फूलों के सुगंध देना भूल गए। इससे पहले कि वो ध्यान से उठे मुझे ये दोनों चीजें वहाँ रखनी होंगी। मैं जाता हूँ, प्रणाम। बाल गणेश की जय। मूषक, नंदी, ब्रिंगी, अगम, बकम, सभी दम लगाकर दौड़ो। जो जीतेगा उसे मैं प्रतिदिन 5 लड्डू दूंगा। दौड़ो। तुम्हें चोट तो नहीं लगी अगम? ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे ही चिपके रहते हैं। सही पकड़ा है तुमने नंदी। मैंने भी सही पकड़ा है इसे। ये तूने सही नहीं किया दुष्टासुर, इसका परिणाम तुझे भुगतना ही पड़ेगा। परिणाम? कैसा परिणाम? ये तो तुम्हें बग्गम भी बताएगा। शांत बग्गम, शांत। प्रभु, बग्गम अगम को मुसीबत में देखकर गुस्से में क्यों आ जाता है? इसके पीछे एक कहानी है। अगम और बग्गम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों के माता पिता महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। मेरी मुर्गियों का पीछा कब छोड़ोगे? भागो! फेर जाओ शैतानो, रुको। वाह, सब्जियां देखकर मुंह में पानी आ गया मित्र। तो सोच क्या रहे हो, आराम करो। अब तुम अपना कार्य आरंभ करो। अगम और बग्गम अपनी शक्तियों के साथ बड़े प्यार से जीवन जी रहे थे, किंतु उनके माता पिता के बीच महादेव के बड़े भक्त होने की होड़ लग गई और दोनों परिवार एक दूसरे के शत्रु हो गए। इतना ही नहीं, दोनों के माता पिता ने उन निष्पाप बाल मन में एक दूसरे के प्रति विष भर दिया। बोलो, रहोगे ना उससे दूर? जी पिताजी। चेतावनी है तुम्हें, आज के बाद तुम बग्गम से नहीं मिलोगे। जी। हाँ।
मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी बग्गम। मैं संध्या काल में मैदान में आऊंगा, तुम मिलोगे ना मुझे वहाँ? तुम्हारे पिताजी ने सही नहीं किया अगम, वो मेरे पिता से बड़े महादेव भक्त नहीं हैं। हमें अब नहीं मिलना चाहिए। अगम। इसी बीच असुरों की सेना ने गांव पर आक्रमण कर दिया। असुरों की सेना ने आक्रमण कर दिया, फिर क्या हुआ प्रभु? चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। मेरे समीप मत आना, अब मैं तुम्हें नहीं जानता। बग्गम सुनो, मुझे बचाना चाहते हो? क्यों अगम? क्योंकि तुम मेरे अपने हो। अगम वैतराज के पास ले गया, जहाँ पूरे एक मास तक अगम का इलाज हुआ। और उस एक मास में बग्गम ने दिन रात अगम की सेवा की, उसकी कही हर बात का बारीकी से अध्ययन किया, जिसके फलस्वरूप वो अगम की नई भाषा सीख गया।
मुझे क्षमा कर दो अगम, मेरी वजह से तुम्हारी जीवा को। और इस प्रकार अगम का निस्वार्थ प्रेम भाव देखकर बग्गम आत्मिक रूप से उसके साथ जुड़ गया और तभी से अगम को मुसीबत में देखकर वो क्रोध में आ जाता है। उन दोनों की दुखद कहानी सुनने के उपरांत हम आत्मग्लानी हो रहे हैं प्रभु। ऐसा अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है मूषक, मित्रों के हास परिहास मित्रता को बल प्रदान करता है। आप सही कह रहे हैं प्रभु, किंतु हमें अगम बग्गम से अपने व्यवहार की क्षमा मांगनी होगी, तभी हमें हमारी आत्मग्लानी से मुक्ति मिलेगी प्रभु। लो आ गए वो दोनों, मांग लो क्षमा। हमें क्षमा कर दो अगम बग्गम। कितना कठिन है प्रभु, कल पढ़ के सुनाओ। मूषक पढ़ना तो आज ही होगा, वरना नंदी को गुस्सा आ जाएगा, फिर मत कहना। हाँ बताता हूँ मूषक महाराज, पिछली बार जो नंदी ने गुस्से में हमें उल्टा लटका दिया था, पूरे दो दिन बाद हम नीचे उतर पाए। अरे शांत नंदी शांत, इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैं पढ़ता हूँ। भोलेनाथ बचाइए हमें, हम सबको, इस सृष्टि को। सिंधु ने स्वर्ग को भी तहस नहस कर दिया है, पूरे देवलोक में हाहाकार मचा हुआ है। क्या वो सिंधु यहाँ कैलाश पर आक्रमण करने आ रहा है? यहाँ कैलाश पर इतना दुस्साहस सिंधु में? भोलेनाथ, और वो ये कहते हुए आ रहा है कि वो आपको भी बंदी बना देगा। क्या ऐसा कहा उसने? तो आप तक सिंधु की हवा पहुँच ही गई, हमसे लिए हुए वरदान का गलत इस्तेमाल कर रहा है सिंधु। भोलेनाथ अब हम क्या करें? आप चिंता ना करें, मैं उसे ठिकाने लगाता हूँ। गणेश, लेकिन बालक गणेश ही ठीक रहेंगे इस कार्य को संपन्न करने के लिए। प्रभु आप भी? आप माँ हैं, इसीलिए कह रही हैं। किंतु आप स्वयं ये जानती हैं कि बाल गणेश हम में से किसी से भी शौर्य या चतुराई में कम नहीं है। बाल गणेश, सिंधु ने घोर तपस्या के बाद मुझसे वरदान में अमृत और भोलेनाथ से सूर्य देव के दिए हुए कवच को उनका त्रिशूल जो कि सबसे कठिन धातु से बना है वो भेद ना सके ऐसा वरदान लिया है। सिंधु की नाभि में अमृत से भरी एक कुपी है जिसे उसने सूर्य देव के कवच से ढका हुआ है। उस कुपी को तोड़कर ही सिंधु को मारा जा सकता है, वरना सिंधु अमर रहेगा। मैं तैयार हूँ, किंतु अभी सारे गण भी नहीं है यहाँ, इतनी बड़ी सेना का सामना कैसे होगा? आप चिंता न करें माँ, सिंधु के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ, और फिर मैं उसे मिले वरदानों को भी तो जानता हूँ। मैं जीत कर ही लौटूंगा माँ। जानती हूँ विजयी भव पुत्र। इतनी बड़ी सेना? अच्छी तैयारी की है। प्रभु ये हमारी नहीं, उस राक्षस की सेना है। अरे जानता हूँ मैं मूषक, चिंता मत करो। सिंधु दुस्साहसी, तुम भगवान विष्णु और भोलेनाथ को बंदी बनाने चले हो? ए बालक, चले जा अपने घर को। मैं भोलेनाथ और भगवान विष्णु को मार कर कैलाश पर राज करूँगा। राज, तू मेरा समय व्यर्थ न कर। दुष्ट राक्षस, तूने उनका नाम
अभी कैसे लिया? उन तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अच्छा, परंतु एक बालक से क्या लड़ना? वैसे तुम हो कौन? मैं हूँ पाल गणेश। भोलेनाथ का पुत्र। अच्छा है, अच्छा है। लेकिन बच्चे, तू मेरी इस बड़ी सेना का सामना कैसे करेगा? तुम्हारे पास तो सेना है ही नहीं। हम इतने ही काफी है तुम्हारे लिए। ये छोटा सा चूहा, ये कुतला और मोटा राक्षस और ये अजीब सा दिखने वाला प्राणी, और तुम हमें मारोगे? नंदी, अभी नहीं, जब मैं कहूँगा तब अपना गुस्सा उतारना इन पर। सिंधु, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, भोलेनाथ से माफी मांग ले और यहाँ से चला जा, वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अरे बालक, तू तो क्या, तेरे पिता भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पहले मैं तुम सबको मारूंगा और फिर भोलेनाथ को। सिंधु, तेरा ये दुस्साहस, सर्वनाश कर दो इन राक्षसों का। मूषक, अभी तुम्हारा समय नहीं आया। आक्रमण! जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। अरे कायरो, रुक जाओ और डट के सामना करो इनका। बालक, तूने मेरी सेना को मारा, परंतु मैं अकेला ही काफी हूं, मिटा दूंगा सब कुछ। गणेश, तू क्या मुझे मारेगा? मैं तो अमर हूँ, अमर! जब तक मेरे पास अमृत है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। मुझे मारने आया था, मुझे मारना तुम्हारा एक सपना ही रह जाएगा। काश तुम मुझे मार पाते। सच्ची मेरी ये इच्छा है कि तुम मुझे मारो, पर ये हो नहीं सकता क्योंकि मैं अमर हूँ, अमर। अरे रे, सिंधु, तू तो गया। सिंधु, मेरे भक्त जब भी कुछ दिल से मांगते हैं तो मैं उन्हें वो दे देता हूँ, बस सिर्फ श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए।
तूने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तथास्तु। पास ये अमृत है। अरे रुक जा रुक जा, मुझे पता है, भगवान विष्णु ने मुझे बताया है। अच्छा, पर क्या तुम ये जानते हो कि सूर्य देव के दिए हुए इस कवच को शिव जी का त्रिशूल भी। अरे रुक जा, मुझे पता है, भोलेनाथ ने मुझे ये भी बताया है। मैं तुम्हें मार दूंगा तुम्हें। सिंधु, मुझे बाद में मारना, पहले अपने आप को तो बचा ले, क्योंकि वरदान लेते समय तुमने भोलेनाथ से ये नहीं पूछा था कि उनके त्रिशूल से भी तेज कोई ऐसा भी औजार है जो इस कवच को भेद सके। क्या? कौन सा औजार? परशु। नहीं, नहीं। बाल गणेश की जय। बाल गणेश की।